प्यारे बच्चों, वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5। सब्जेक्ट आपका गणित है, कक्षा आपके साथ में है और 6 अक्टूबर यानी कि ट्यूसडे को ये आपको वर्कशीट सबमिट करनी है। तो बच्चों, हम जानेंगे प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता क्या होता है? देखो, कुछ चीज़ें हमारे जीवन में निश्चित होती हैं कि होंगी ही होंगी। जैसे आज, जैसे आपको ये वर्कशीट क्या है, ट्यूसडे को भेजनी है, तो उसके बाद फिर आप कौन सी वर्कशीट भेजेंगे? वेडनेसडे वाली। ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे आता है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि पहले थर्सडे आ जाएगा, ठीक है? तो वेडनेसडे आना क्या है? पक्का है, निश्चित है, सर्टेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हमारा डाउट होता है, जैसे मैं ये कहूँ कि आज ना थोड़े बादल से हैं, हो सकता है बारिश हो और हो सकता है ना हो, ठीक है? जब हमें डाउट होता है, हमें पक्का अच्छे से नहीं पता होता, निश्चित नहीं होता, ठीक है ना, तो प्रायिकता उस चीज़ को निकालने का एक तरीका है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कितनी प्रायिकता है। हर रोज़ की बातचीत में अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे जीवन में स्थितियां होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है, कुछ ऐसी जिनका घटित होना असंभव है, ठीक है? अब एक बात बताओ, आप छोटे से हो, ठीक है, अगर कुछ चीज़ें मैं आपको कहूँ कि आप अपने आपके पंख निकल आएंगे, आदमियों के पंख हो जाएंगे, अनिश्चित बात है ना, असंभव है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तथा कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हों, नहीं भी हो सकती हों, स्थितियाँ होंगी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब मैं कहूँ कि भाई बारिश हुई है और अभी धूप निकली है, तो हो सकता है रेनबो आ जाए और हो सकता है रेनबो यानी कि इंद्रधनुष आ जाए और ना भी आए, तो वो होता है संयोग, ठीक है? संयोग होना ही प्रायिकता है। तो अब किसी घटना के होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? अभी क्या आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन ये वाला टॉपिक आपका 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, तो अभी जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको अच्छे समझ में आएगा। किसी घटना की प्रायिकता, एक तो घटना के परिणाम और घटना के कुल परिणाम। तो चलो मैं समझाती हूँ आपको कैसे। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड पिंक कलर की बॉल्स हैं, ठीक है ना? तो मैं कहती हूँ कि प्रायिकता निकालो, ठीक है, प्रायिकता निकालो किसकी? पिंक कलर की आने की। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला बताती हूँ। जितनी चीज़ें टोटल होती हैं, जितनी चीज़ें टोटल होती हैं या जितनी आउटकम टोटल होती है, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी है? 5 है। और जितनी आ सकती हैं, जितने चांसेस हैं आने के, देखो रेड बॉल के आने के एक ही चांस है, ग्रीन बॉल के आने के एक चांस है, येलो के आने के एक ही चांस है। मान लो आने के चांसेस का मतलब है कि एक बैग में पड़ी है और एक टाइम में आप एक ही बॉल निकाल सकते हो, तो आपके चांसेस क्या है, यहाँ पर एक ही है। तो पिंक आने का क्या है? 5 में से 1 ही चांसेस है। तो यानी कि पिंक बॉल आने के कितने चांसेस हैं? 1/5। अच्छा बच्चों, ठीक है, एक और बात करते हैं। जैसे आपकी डाइस है, ठीक है, डाइस क्या होती है? जो पासा नहीं होता है, ये वाला जिससे हम लूडो खेलते हैं, जिसको हम फेंकते हैं, जिसपे नंबर लिखे होते हैं, 6 तक नंबर लिखे होते हैं, ठीक है ना? तो ये 6 तक नंबर लिखे होते हैं यहाँ पे, तो इस पे क्या होता है? 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 एंड 6। मैं आपको कहूँ कि प्रायिकता निकालो किसकी? इवन नंबर आने की प्रायिकता निकालो। पहले तो टोटल नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। इसमें से इवन नंबर कितने हैं? इवन नंबर कितने हैं? यहाँ पे 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, तो 3 इवन है, तो ये तीन ही आ सकते हैं, तो मैं लिख दूंगी 3/6। ये होती है प्रायिकता, ठीक है बच्चों? अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैं आपको बोर्ड पे समझा दूंगी और आप मुझे बता देंगे कमेंट में, ठीक है? तो चलो अब आगे करते हैं। जैसे एक सिक्के को उछाला जाए, तो सिक्के पे क्या आ सकता है? या तो चित आएगा या पट आएगा, यानी कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो एक बार मान लो आपने उछाला, तो या तो एक आएगा, मतलब हेड आएगा, या फिर टेल आएगा। तो टोटल कितने हैं? हेड और टेल 2 हो गए, 2 आ सकते हैं। टोटल जितनी आउटकम आ सकती हैं वो हम लिखेंगे, जितनी चीज़ें आ सकती हैं, तो हमारी 2 आउटकम आ सकती हैं, 2 हमारी आउटपुट आ सकती हैं, हेड या फिर टेल। अगर मैं टेल का निकाल रही हूँ तो टेल आने के कितने चांसेस है? 1 ही चांस है। अब देखो, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? हमेशा 1 होगी, भाई होगा ही होगा। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है, वो कभी नहीं होगी, ठीक है? तो अब ये देखिए, मैं मध्याह्न अवकाश यानी कि जो आपके रेसेस होती है, किस समय मैं उड़ूंगा, असंभव है या असंप्रायिक घटना है? भाई
जीरो होगी ना प्रायिकता, क्यों? क्योंकि आप नहीं उड़ सकते हो, आपके पंख नहीं है, ठीक है। प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होता कभी भी, नेगेटिव। ऋणात्मक का मतलब कभी भी जो प्रायिकता है वो नेगेटिव नहीं होगी, एक से अधिक नहीं हो सकती है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, असंभव, ठीक है, तथा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा होना निश्चित है, निश्चित है या फिर असंभव है, तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, ठीक है, पॉसिबल भी है। तो आज आप कल से अधिक आयु के हैं, बिल्कुल, तो है क्या, निश्चित है, हमेशा ऐसे ही होगा, आप बड़े होते जाओगे, निश्चित है। एक सिक्के को उबालने पर चित आएगा, उछालना आएगा, उबालना नहीं आएगा, उछालने पर चित आएगा, ये क्या है, निश्चित नहीं है, ठीक है, हो सकता है, तो हम लिखेंगे हो सकता है आ जाए, लेकिन निश्चित नहीं है, तो ये वाला लिख देंगे, हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, ठीक है, ये वाला इसमें आ जाएगा, किसमें, इस वाले में। एक पासे को फेंकने पर आठ आएगा, आठ तो होता ही नहीं है ना पासे में, है ना, जो डाइस फेंकते हो आप लूडो खेलते वक्त, तो आठ तो होता नहीं है, तो ये क्या है, ये असंभव है, ठीक है, असंभव लिखेंगे इसके सामने। फिर इस वाले की, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, हो भी सकता है हरी भी दिख जाए और लाल भी दिख जाए, ठीक है, जो भी है अभी फिलहाल उससे दूसरी दिखाई देगी, लेकिन हमें तो नहीं पता, तो क्या दिखेगा, निश्चित नहीं है, ठीक है, तो इस यहाँ पे भी यही वाला चीज, ये वाली चीज आ जाएगी, हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं है, कौन से में, यहाँ पे, ठीक है, और इन दोनों में ये चीज चल रही है। कल बादल घिर आएंगे, हमें नहीं मालूम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसमें भी यही आ जाएगा, तीन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब ये वाले क्वेश्चन आपको समझने हैं, विषम संख्या क्या होती है, जो दो से भाग नहीं होती, ठीक है, भाज्य संख्या यानी कि जिनके चलो समझते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, एक पासे को फेंका जाता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो पासा होता है, पासे पे टोटल नंबर कितने होते हैं, छः होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। अब इसने कहा कि दो से बड़ी संख्या आने का, दो से बड़ी संख्या आने का प्रायिकता क्या है, यहाँ पे देखेंगे, दो से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो दो से बड़ी संख्याएं हैं कौन कौन सी, तीन चार पाँच और छः, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये फार्मूला होगा हमारा, घटना के संभावित परिणाम, घटना के कुल परिणाम, तो घटना की जो घटना है उसके कुल परिणाम कितने हैं, कुल संख्या कितनी है, छः है। तो अब प्रायिकता निकालेंगे हम, जितने टोटल होते हैं कुल बटे कुल, कुल होगा, कुल नीचे आ जाएगा, और कितने नंबर है, एक दो तीन चार, तो चार बटे छः पे प्रायिकता आ गया। आप इसको काट भी सकते हैं, दो दूनी चार, दो तीन छः, ठीक है ना, टू बाई थ्री आ गई। अच्छा बच्चों, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया आपका, फिर हम करेंगे पहला क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब वो कहता है भाज्य संख्या आने का, भाज्य संख्या कौन सी होती है, जो भाग होते हैं, भाज्य संख्या देखिए यहाँ पे, यानी कि एक दो तीन चार पाँच छः, जो प्राइम है ये वन है ना, तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो ऐसी संख्याएं, ठीक है, या तो वो खुद से भाग होती हैं, ठीक है, या फिर वन से भाग होती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, दो तो अभाज्य हैं, ठीक है, और तीन भी अभाज्य है किसी से भाग नहीं होता, पाँच भी अभाज्य है किसी से भाग नहीं होता, चार बटे छः आ गए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, इस वाले में, ठीक है, इस वाले में सेकेंड में, भाज्य संख्या आने का, भाज्य संख्या कितनी है, दो, दो है, कौन कौन सी, चार और छः, ठीक है, कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है बेटा, कुल संख्या छः है। तो आपको प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता कैसे निकलेगी, ठीक है, प्रायिकता निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं ठीक है, प्रायिकता निकालेंगे कितनी आएगी, दो बटे छः, ठीक है, तो एकम दो तो तीन छः, एक बटे तीन आंसर आ गया। नहीं भी काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो भाज्य संख्या तो हमारी दो ही है और कोई संख्या तो है नहीं भाज्य वाली, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे कहता है अगले क्वेश्चन में कि विषम संख्याएं आने का, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं आने का, विषम संख्या कौन कौन सी है, एक दो, विषम संख्या पहले नंबर्स लिख लेंगे आप, ठीक है, एक यहाँ पे अलग से लिख लेंगे, एक दो
विषम कौन सी होती है जो दो से भाग नहीं होती, दो से भाग कौन सी, दो से भाग नहीं होती, एक, ठीक है, तीन नहीं भाग होता दो से और पांच नहीं भाग होता, तो विषम संख्या कितनी हो गई, तीन, कुल संख्या कितनी है, छ, ठीक है, तो यहाँ हो गया छ। अब आपको निकालनी है प्रायिकता, निकालेंगे तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, प्रायिकता क्या आ जाएगी बेटा, तीन बटे छ, एक दो तीन, तीन बटे छ, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है सम अभाज्य संख्या आना, अभाज्य भी हो, ठीक है, अभाज्य भी हो और सम भी हो, तो अब क्या करना है, सम संख्याएं पहले तो जो हमारी कुल संख्या देखेंगे, कुल संख्या हमारी कितनी है, यहाँ पे एक बार इसको साफ कर देते हैं, चलो यहाँ पे कुल, ये हमारा लास्ट पार्ट है, और लास्ट कौन सा पार्ट है हमारा, ये है ये वाला, ठीक है। आपको समझ के चीज़ों को करना है, आप बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर करेंगे, ऐसे नहीं कि कोई भी नकल मरवा के आपको से करवा रहा है तो आप लोग कर लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद करेंगे, तभी कोई फ़ायदा होगा बेटा आपको कराने का, ठीक है। तो चलो यहाँ से हो गया हमारा, कुल संख्या कितनी हो गई, कुल संख्या आपको कौन कौन सी है, कुल संख्या हमारी एक दो तीन चार पाँच छः, इसमें से सम संख्या कौन सी हो गई, जो हमारी क्या होती है, दो से डिवाइड होती है, दो से डिवाइड टू फोर सिक्स, ठीक है। अब इसमें से भी अभाज्य पूछा है, अभाज्य, ठीक है, सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो इसमें से अभाज्य सिर्फ एक ही है जो किसी से भाग नहीं होती है, वो है दो, या तो खुद से होती है या फिर वन से होती है। तो अब क्या लिखोगे आप, टोटल संख्या कितनी है, टोटल छः है कुल संख्या, प्रायिकता टोटल संख्या छः है और दो बटे छः लिख देंगे, ठीक है ना, एक बटे से, सॉरी, क्यों, क्योंकि एक ही संख्या है, एक बटे छः, वो एक संख्या क्या है, दो, एक बटे छः आंसर आ जाएगा इस प्रायिकता का। तो ये था हमारा आज का वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए सेट कर देते हैं टारगेट अपना, टारगेट सेट करेंगे, इस वीडियो को हम पहुंचाएंगे 500 लाइक्स तक, ठीक है। तो ये तो हमारी जूम एजुकेशन का टारगेट हो गया, एक और टारगेट आप लोग भी फिक्स करेंगे, ठीक है। तो मैं अपना अपना बता देती हूँ, मैं काफ़ी टाइम से बुक नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो एक बुक है मेरे पास, उस बुक के मैं एटलीस्ट 20 पेजेस कल कंप्लीट करूँगी, मैंने ये वाला टारगेट सेट किया है। तो आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं दिन का, कि आप क्या कल करने वाले हैं, जैसे कि मैं योगा करूँगा या फिर मम्मी की हेल्प करूँगा या फिर मैं इंग्लिश की पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, अपना एक टारगेट सेट डेली ज़रूर करेंगे, इससे हमारी हैबिट बन जाएगी और फिर हम छोटे टारगेट सेट अचीव करना स्टार्ट करेंगे, तो बड़े तो हम अचीव ही कर लेंगे। अगर अभी तक आपने जूम एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जूम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में 6th, 7th, 8th क्लास का चैनल है खुशी का निधि, ठीक है, जिस पे हम लाइव पढ़ाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है खुशी का निधि स्कूल्स कि कभी कभी लाइव नहीं आ पाते हैं, लेकिन वहाँ पे 6th, 7th, 8th क्लास से सभी सब्जेक्ट कराए जाएंगे, तो आप वहाँ पर मेंबर बन सकते हैं, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।